सुने श्री रामचरितमानस पाठ भाग 229। संगीतकार हैं सतीश भाटिया और इन दिनों आप सुन रहे हैं अयोध्या कांड। राम के मन में ये सोच व्याप्त है कि राजा जनक समेत भरत सभी माताएं अयोध्या तथा जनकपुरवासी दुखी हैं और व्यर्थ ही चित्रकूट में वनवास के कष्ट भोग रहे हैं। उनकी चिंता सुनकर वशिष्ठ जी मिथिलापति से सबकी दुविधा समाप्त करने का आग्रह करते हैं। मुनिवर के वचन सुनकर जनक जी का ज्ञान और वैराग्य तिरोहित हो गए। वो प्रेम और मोह के वशीभूत हो गए। उन्हें लगा कि यहां आकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने तो पुत्र विरह में अपने प्राण त्याग दिए और वे उन्हें और गहन वन में भेजकर अपने प्राण भी नहीं त्याग सकेंगे। मिथिलापति को नहीं समझ में आता कि अब क्या किया जाए। अतः क्या किया जाए इसका निर्णय उन्होंने भरत पर छोड़ दिया। भरत ने कहा, सारा जगत जानता है कि सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ एक दूसरे के विरोधी हैं। बैर अंधा होता है और प्रेम में बुद्धि साथ छोड़ जाती है। अतः मुझसे न पूछकर श्री राम की रुचि का ध्यान रखते हुए वही करना चाहिए जो सर्वसम्मत तथा सबके लिए हितकारी हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नर पाल तुम बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काल। वचन जनक अनुरागे लखि गति ज्ञानु विरागु विरागे शिथिल स्नेह गुणत मन माही आए इहां कीन भल नाही। राम ही राय कहे उ बन जाना कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना हम अब बनते बन ही पठाई प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई तापस मुनि महीसुर सुनि देखी भय प्रेम बस विकल बिसेखी समऊ समुझि धरी धीर जुराजा चले भरत पही सहित समाजा। भरत आई आगे भैलीने अवसर सरिस सुवासन दीने तात भरत कह तेरहु तिराऊ तुम ही विदित रघुबीर सुभाऊ। राम
राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर सीलु सने संकट सहत सकोच बस कहिय जो आय सुदे सुनितन पुलक नयन भरी बारी बोले भरतु धीर धरि भारी प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आबू कुल गुरु समहित मायन बापू कौशिकादि मुनि सचिव समाजु ज्ञान अम्बु निधि आपुन आजु शिशु सेवकु आयसु अनुगामी जानि मोहि सिख देय स्वामी एहि समाज थल बूझब राउर मौन मलिन में बोलब बाउर छोटे बदन कहो बड़ी बाता चमब तात लखे वाम विधाता आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जगु जाना स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोध बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोध राखी राम रुख धर्म ब्रतु पराधीन मोहि जान सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहिचान भरत बचन सुनी देखी सुभाओ सहित समाज सराहत राओ सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे अरथु अमित अति आकर खोरे मुकुर मुकुरु निज पानी गहि न जाई अस अद्भुत बानी भूप भरतु मुनि सहित समाजु गे जहां विबुध कुमुद द्विज राजु सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा मनहु मीन गन नव जल जोगा देव प्रथम कुल गुर गति देखी निरखी विदेह स्नेह विशेखी राम भगति मय भरतु निहारे सुर स्वारथी हरि हारे सब को राम प्रेममय पेखा भये अलेख सोच बस लेखा आ
आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस पाठ भाग 229। संगीतकार थे सतीश भाटिया और आप सुन रहे थे अयोध्या कांड।